दोस्तों SOLDU के अंदर MBA एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 2024 सेशन के लिए। तो अगर आप भी SOLDU के अंदर MBA के एडमिशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है उससे जुड़ी हुई A to Z जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले हमें SOLDU की मेन वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पे आते ही देखिए टॉप में ऑप्शन मिल जाते हैं हमें UG एडमिशन, PG एडमिशन, MBA एडमिशन, जिस ऑप्शन क्लिक करके हम अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही स्क्रॉल डाउन करते हैं तो देखिए उसमें मिलता है एडमिशन शेड्यूल 2024, जहाँ पे UG, PG और MBA के एडमिशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें डेट मेंशन की गई है 3 जून से हमारे एडमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन जो MBA के एडमिशन स्टार्ट हुए हैं हमारे 10 जून से यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिला है। साथ में आपको प्रोस्पेक्टस मिल जाता है जहाँ पे आपको UG, PG और MBA का प्रोस्पेक्टस मिल जाएगा, इसको आप रीड कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे MBA के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो MBA के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का PDF फाइल ओपन जाती है। इसमें देखिए मेंशन किया गया है जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है MBA के एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे ग्रेजुएशन के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। साथ में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो हमारा मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, जिसके लिए आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद वेट करना है मेरिट लिस्ट का। साथ ही जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी हमारी, उसमें हमारी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर आप कैटेगरी 1 से बिलोंग करते हैं जिसमें 80% जो वेटेज रहेगा वो आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स पे आपको मेंशन होगा। साथ में सेकंड पॉइंट मेंशन किया है 20% वेटेज आपका रहने वाला है अगर आप वर्किंग हैं, तो प्रोफेशनल जो वर्क करते हैं किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, तो 20% वेटेज आपका उसके मार्क्स पे मेंशन होगा। इसमें आपको डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप वर्किंग हैं तो आपको ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा डॉक्यूमेंट के अंदर। साथ ही जो हमारा 20% वेटेज मिलेगा कुछ इस प्रकार मिलेगा, अगर आप 4 साल से एक्सपीरियंस है, आपको 4 साल का एक्सपीरियंस है आपको जॉब के अंदर, तो 20% आप वेटेज आपको क्लेम होगा। 3 साल के एक्सपीरियंस में आपको 15% वेटेज क्लेम होगा। अगर आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है तो आपको 10% आपको वेटेज क्लेम होगा। अगर आपको 1 ईयर का यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आपको 5% वेटेज आपको क्लेम होगा। अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको ये कोई परसेंटेज यानी 20% आपको जो वेटेज आप क्लेम नहीं होगा, यानी आपका ग्रेजुएशन के जो मार्क्स पे ही आपका परसेंटेज आपको मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। साथ में कैटेगरी 2 रखी गई है, अगर जो स्टूडेंट है वो MBBS, BDS, MDS, MD डिग्री होल्डर है और उसको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो कैटेगरी 2 का वो अपना सेलेक्ट करेगा एक्सपीरियंस के लिए। साथ में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी इसमें भी रिक्वायरमेंट है। कैटेगरी 3 के अंदर मेंशन किया गया है अगर जो स्टूडेंट है ग्रुप ए का ऑफिसर है गवर्नमेंट या पब्लिक अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको भी यहाँ पे अपना कैटेगरी 3 सेलेक्ट करनी है और अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। कैटेगरी 4 अगर आप सेलेक्ट करते हैं यानी जो स्टूडेंट 2 साल से ज़्यादा उसको कॉर्पोरेट या हाउस या हॉस्पिटल के अंदर उसका एक्सपीरियंस है, तो वो कैटेगरी 4 के अंदर आएगा और कैटेगरी 4 के अंदर उसको भी अपने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे कोर्स क्रेडिट स्कीम मिल जाएगी आपको, जो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बैक आते हैं, उसमें मिलता है फीस स्ट्रक्चर का, जहाँ पे आपको MBA के लिए फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों एडमिशन जो प्रोसेस है आपका, सबसे पहले करना होता है आपको रजिस्ट्रेशन। तो देखिए दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है, OBC कैटेगरी स्टूडेंट है या फिर EWS कैटेगरी स्टूडेंट, तो आपको 250 रुपये का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। इसके बाद अगर आप SC ST PW कैंडिडेट है तो आपको 100 रुपये का चार्ज देना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करते वक्त। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट लगाई जाएगी, अगर मेरिट लिस्ट में आपका नेम आता है तो आपको जो फी पे करनी है वो पे करनी है। कैटेगरी ए स्टूडेंट जो है यहाँ पे वो पे करेंगे अपना टोटल 52,570 रुपये हमें फी पे करनी होगी अपने यहाँ पे MBA के एडमिशन फॉर्म को फिल करते वक्त, जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा बाद में चेंज भी कर सकती जा सकती है, जो कि मेंशन किया गया है यहाँ पे। साथ में अगर कैटेगरी बी स्टूडेंट है यानी फॉरेन स्टूडेंट है तो आपको टेबल ए चेक करनी है, इसमें आपको फी स्ट्रक्चर मेंशन होगी। अगर आप कैटेगरी सी से बिलोंग करते हैं, आप PW कैंडिडेट हैं, तो आपको टोटल फी पे करनी होगी 13,143 रुपये। अगर आप कैटेगरी डी से बिलोंग करते हैं यानी आप ऑर्फन स्टूडेंट हैं, तो आपको सिर्फ 20 रुपये पे करना होगा, जिसमें आपकी एडमिशन फीस 10 रुपये रहेगी, एग्जाम फीस आपकी 10 रुपये रहेगी। लेकिन जो ऑर्फन स्टूडेंट है उसके लिए सिर्फ 2 सीटें हमारी यहाँ पे वैकेंट होती है, जिसमें ऑर्फन स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हमारा जो फी स्ट्रक्चर रखा गया है उसको आप देख सकते हैं। साथ ही ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ पे हेल्प डेस्क का, जिसमें क्लिक करके आप यहाँ पे MBA के जो एडमिशन के लिए जो आपके हेल्प डेस्क नंबर रखे गए हैं उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर एडमिशन फॉर्म को फिल करते कुछ प्रॉब्लम आई है आपको या कोई प्रॉब्लम मिस्टेक हो गई है आप एडमिशन फॉर्म फिल करते हो, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है और मेल एड्रेस भी दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एडमिशन फॉर्म फिल कैसे करना है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रॉल अप करने का ऑप्शन मिलता है हमें, यहाँ पे MBA एडमिशन सिस्टम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम एडमिशन पोर्टल पर आ जाएंगे, जो कि हमारा MBA एडमिशन 2024 का पोर्टल है, जहाँ पे आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले करना होता है रजिस्ट्रेशन। तो ऑप्शन मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन का, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एप्लीकेंट का फुल नेम मेंशन कर देना है, क्योंकि क्लास 10th और 12th की मार्कशीट में मेंशन होना चाहिए। नेम फिल करने के बाद आपको अपना एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल करना चाहिए, जो कि वर्किंग होना चाहिए।
और ये जो ईमेल एड्रेस आप फिल करेंगे वही आपका यूजर नेम भी रहने वाला है। री एंटर करना है एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस, इसके बाद एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना मिनिमम 6 कैरेक्टर का। री एंटर करना है पासवर्ड अपना, यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना जो कि वर्किंग होना चाहिए, री एंटर करना है मोबाइल नंबर, इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपके मेल एड्रेस पर एक मेल सेंड किया जाएगा, इसमें आपको ओटीपी आएगा, इससे आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। तो आपको अपना मेल चेक करना है, मेल में एक ओटीपी से आएगा 6 डिजिट का, उसको आपको ओटीपी के उसमें फिल कर लेना है, राइट कैप्चा फिल करना है और फिर सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो हमारा अकाउंट है वो एक्टिवेट हो जाएगा सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना है, लॉगिन के लिए आपने जो अपना ईमेल एड्रेस फिल किया था वही आपका यूजर नेम रहेगा, वो यूजर नेम में आपको अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, अपना पासवर्ड फिल करना है जो आपने क्रिएट किया था और फिर राइट कैप्चा फिल कर लेना है और लॉगिन उसमें क्लिक करके लॉगिन करना है। लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पर आ जाएंगे जहाँ पे लेफ्ट साइड में आपकी बेसिक डिटेल्स होगा, इसमें आपका ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर मेंशन होगा। राइट साइड में आपको शो करता है प्रोफाइल डिटेल, जहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी, प्लेस, बर्थ डिटेल, फैमिली डिटेल, एड्रेस डिटेल फिल करनी होती है। तो हमें अपनी प्रोफाइल डिटेल को कंप्लीट करना है, तो क्लिक करना है कंप्लीट प्रोफाइल के ऑप्शन पे। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जहाँ पे हमें देखिए 3 स्टेप में अपनी कंप्लीट करनी है अपनी प्रोफाइल को। तो पहला स्टेप रहता है हमारा प्रोफाइल डिटेल का। तो प्रोफाइल डिटेल के अंदर सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम अपने यहाँ पे फिल कर देना है। एप्लीकेंट का जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेंट का डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे जो आपकी एज मेंशन रहेगी अक्टूबर 4 2022 तक वो आपको मेंशन हो जाएगी। कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस पहले से फिल रहेगा, अल्टरनेट ईमेल एड्रेस आप फिल करने से फिल कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं इस ऑप्शन को। मोबाइल नंबर पहले से फिल रहेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप फिल करना चाहते हैं पेरेंट्स वगैरह का तो आप फिल कर सकते हैं, इसको आपको स्किप कर देना है। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है आपको अपना यहाँ पे। साथ ही ऑप्शन मिलता है अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो इस ऑप्शन को आपको यहाँ पे यस करना है। रीजन मिलता है आपको, रीजन क्या है आपका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आपका जन्म कहाँ पे होता उसकी डिटेल आपको फिल करनी है। इसमें विलेज, टाउन, सिटी का नेम मेंशन कर देना है, कंट्री का नेम मेंशन कर देना है, स्टेट का नेम मेंशन कर देना है और डिस्ट्रिक्ट का नेम मेंशन कर देना है आपको यहाँ पे। इसके बाद ऑप्शन मिलता है फैमिली डिटेल का, तो अगर आपकी फैमिली में जो सिंगल पेरेंट है, यानी मदर या फादर सिंगल पेरेंट है, तो आपको यस करना है तो नो कर लेना है। तो हम यहाँ पे नो करते हैं। इसका ऑप्शन होता है मदर्स का नेम फिल कर देना है, फादर्स का नेम फिल कर देना है। तो अगर आपके मदर्स फादर्स नहीं है तो आप गार्जियन नेम फिल कर सकते हैं। साथ ही ऑप्शन मिलता है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, जिसमें आप पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है हमें देखने को यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन डिटेल। अगर आपने अपना ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही किया हुआ है तो आप अपनी डिटेल यहाँ फिल कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन मिलता हैव यू स्टडी इन दिल्ली ड्यू, तो यहाँ पे आपको यस करना है या नो करना है। अगर आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको ड्यू का एनरोलमेंट नंबर मेंशन कर देना है अपना, यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी दिल्ली डिपार्टमेंट एफिलेटेड कॉलेज का नेम मेंशन कर देना है। प्रोग्राम जो भी आपने किया हुआ है दिल्ली से, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो आपको प्रोग्राम का नेम मेंशन कर देना है। बीबीए क्या हुआ है, जो भी किया हुआ मेंशन कर दीजिएगा। ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन किस ईयर में आपने एडमिशन लिया था वो आपको मैं सेलेक्ट कर लेना है ऑप्शन। अदरवाइज आपने यूनिवर्सिटी दिल्ली में कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है नो। नो सेलेक्ट करते ही हमारे सामने ये ऑप्शन गायब हो जाएंगे। अब आपको उसमें मिलता है अदर कैटेगरी या कोटा। अगर स्टूडेंट हमारा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है उसके ऑप्शन को, जो भी कैटेगरी आपकी है, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन मिलता है अगर स्टूडेंट ऑर्फन स्टूडेंट से बिलोंग करता है, यानी वो अनाथ है, तो यहाँ पे यस करना है जो नो कर लेना है। डिफेंस पर्सनल से बिलोंग करता है तो यहाँ पे कोटा चाहता है उसका, तो यस कीजिए इधर नो कर लीजिए। डिफेंस वार्ड्स का कोटा चाहता है तो यहाँ पे आपको यस करना है तो नो कर लीजिएगा। साथ ही स्टूडेंट डीडीसीई कोल एसओएल वार्ड कोटा चाहता है तो यहाँ पे आपको यस करना है तो नो कर लेना है। साथ ही अगर स्टूडेंट जो हमारा एम्प्लॉई है डीडीसीई कोल और एसओएल का, तो यहाँ पे आपको यस करना है तो नो कर लेना है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एम्प्लॉई है तो यहाँ पे यस करना है जो नो कर लेना है। तो ये डिटेल आपको उधर कैटेगरी और कोटा के अंदर फिल कर लेनी है। इसको सुनता है एड्रेस का, तो आपको अपना कोरस्पोंडेंट एड्रेस के अंदर अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल कर लेना है। आपको एड्रेस फिल कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट का नेम फिल कर लेना है, कंट्री का नेम फिल कर लेना है, स्टेट्स अपना सेलेक्ट कर लेना है, सिटी का नेम फिल कर लेना है और पिन कोड अपना फिल कर देना है। सर उसमें मिलता है परमानेंट एड्रेस। अगर आपका कोरस्पोंडेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप क्लिक इफ सेम एज कोरस्पोंडेंट एड्रेस क्लिक कर दीजिएगा, आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। अदरवाइज आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर लीजिएगा। एड्रेस डिटेल फिल करने के बाद हमें उसमें मिलता है बैंक डिटेल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड रिफंड इफ एप्लीकेबल, यानी आपको अपने बैंक डिटेल फिल करनी है। इसमें स्टूडेंट अपनी डिटेल फिल कर सकता है, फिर पेरेंट्स से गार्जियन की डिटेल यहाँ फिल कर सकता है। ये डिटेल फिल क्यों करनी है, जो आपका रजिस्ट्रेशन एडमिशन फॉर्म होगा इसमें आपको 250 रुपये या 100 रुपये पे करना होगा। मान लीजिए मेरिट लिस्ट में आपका नेम नहीं आता है तो जो आपका अमाउंट है वो रिफंड किया जाएगा, वो इसी अकाउंट के अंदर रिफंड किया जाएगा। या फिर जब आप एडमिशन लेंगे, एडमिशन लेने के बाद आपने फीस सबमिट कर दिया और आप चाहते हैं अपना एडमिशन कैंसिल कराना, तो जो आपका एडमिशन फीस है वो रिफंड भी इसी अकाउंट में किया जाएगा।
तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ अकाउंट होल्डर का नेम मेंशन कर देना है, अकाउंट नंबर मेंशन कर देना है, कंफर्म करना है अकाउंट नंबर, नेम मेंशन कर देना है बैंक का, आईएफएससी कोड मेंशन कर देना है बैंक का। तो ये डिटेल हमें फिल करनी है और फिर सेव नेशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी पर्सनल डिटेल हमें शो करेगी, तो उसके एक बार चेक कर लेना है, अगर कोई मिस्टेक हो गई है तो अपडेट कर लीजिएगा अभी, अदरवाइज नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम स्टेप टू पे आ जाएं, जो रहेगा हमारा अदर डिटेल का। तो अदर डिटेल के अंदर देखिए पर्सन मिलता है, जो स्टूडेंट है वो बीमार है काफी दिनों से कंटिन्यूस या इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन है, तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदर नो कर लेना है। साथ में जो स्टूडेंट है उसने पार्टिसिपेट किया हुआ है NSSS नेशनल सर्विस स्कीम के अंदर, अपना कैंप में अंदर पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पे आपको येस करना है, जो नो सेलेक्ट कर लेना है। साथ में मिलता है स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है स्पोर्ट्स के अंदर या फिर एक्टिविटीज के अंदर, तो आपको यहाँ पे येस करना है, नो करना है। साथ ही ऑप्शन मिलता है लैंग्वेज का, तो यहाँ पे देखिए आपको लैंग्वेज मेंशन है इंग्लिश और हिंदी। अगर आप इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। कोई अदर लैंग्वेज जानते हैं तो उसके फिल करके आपको रीड राइट स्पीकिंग के सामने आपको टिक कर लेना है। तो ये डिटेल आपको फिल कर लेनी है अदर डिटेल के ऑप्शन में और फिर सेव नेशन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी डिटेल शो करेंगी, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। सारी डिटेल सही होने के बाद हमें नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते जाएंगे हम स्टेप थ्री पे, जो कि रहेगा हमारा अपलोड का स्टेप, जहाँ पे हमें फोटो सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं। फोटो सिग्नेचर का जो साइज रखना है आपको 10 KB से लेके 3 MB तक रखना है। फॉर्मेट रहेगा हमारा JPEG और JPG फाइल को हमें अपलोड करना है। जल्दी से हम अपने फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अब हमें यहाँ पे क्लिक सबमिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आएगा, इसको हमें यहाँ पे टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करके सबमिट करना है। तो यहाँ पे देखिए इसलिए पूछा जाता है, अगर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है यानी प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, अगर सारी डिटेल सही है तभी आप यहाँ पे सबमिट कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपने बिना अपनी प्रोफाइल चेक की हुई आपने सबमिट कर दिया है, तो अपनी प्रोफाइल के अंदर आप कोई एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं और सबमिट ऑप्शन क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही जो हमारी प्रोफाइल डिटेल है वो कंप्लीट हो जाएगी और हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, जहाँ पे देखिए हमें हमारी प्रोफाइल को चेक करने के लिए हम व्यू ऑप्शन क्लिक करके अपनी प्रोफाइल की डिटेल को व्यू कर सकते हैं। तो देखिए हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है प्रोफाइल डिटेल। अब हमें यहाँ पे अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ को ऑप्शन पे। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पे हमें 8 स्टेप में अपने प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना होता है। सबसे पहले ऑप्शन मिलता है हमें प्रोग्राम सिलेक्शन का, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है प्रोग्राम लेवल, जो कि हमें सेलेक्ट कर लेना है मास्टर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। इसके बाद देखिए प्रोग्राम के अंदर ऑप्शन मिलता है हमें देखने को मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि MBA है, इसे हमें सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही हमारे सामने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो कर जाता है, जो कि ग्रेजुएशन विद 15% मार्क्स के सामने आपको टिक कर लेना है। साथ ही उसमें मिलता है स्टडी सेंटर प्रेफरेंस इन दिल्ली, तो आप स्टडी सेंटर कहाँ पे प्रेफरेंस कर जाते हैं, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, अपने हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी प्रोग्राम सिलेक्शन डिटेल हमें शो करेगी, इसको एक बार चेक कर लेना है और फिर नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम सेकंड स्टेप आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा पर्सनल डिटेल का, जिसको हम एडिट नहीं कर सकते क्योंकि पर्सनल डिटेल हमने पहले ही फिल कर ली थी। इसको हमें अपना स्क्रॉल करके नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम स्टेप थ्री पे आ जाएंगे, जो कि रहेगा हमारा एकेडमिक डिटेल। तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो करेगा, जिसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, जो कि आपका यहाँ पे डिसिप्लिन है रखा गया है यहाँ पे क्राइटेरिया के अंदर, और मेरिट जो आपकी लगाई जाएगी इसमें कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, जो कि मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैटेगरी सेलेक्ट करने का, जिसमें कैटेगरी 1, 2, 3, 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो अपने हिसाब से अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी कैटेगरी 1 सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद ऑप्शन मिलता है टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर, तो यहाँ पे देखिए आपको कितना ईयर का एक्सपीरियंस है वो आप मेंशन कर देना है, अगर जॉब वगैरह करते थे तो। यहाँ पे अगर कैटेगरी 1 सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर लेना है। नेचर ऑफ एक्सपीरियंस आपको आप फ्रेशर हैं या वर्किंग है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। इसको मिलता है क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है हमें 10th की, जिसमें हमें सबसे पहले उसमें मिलता है 10th का हमें पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, किस ईयर में आपने 10th पास किया वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही क्लास 10th की जो आपकी परसेंटेज है वो आपको मेंशन कर देनी है लास्ट 2 डिजिट तक। तो यहाँ पे देखिए अगर जो आपका 10th का रिजल्ट CGPA में आया है तो आपको उसको कन्वर्ट कर लेना है परसेंटेज के अंदर, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमें अपनी क्लास 10th की परसेंटेज फिल कर लेनी है, साथ में क्लास 10th आपने किस स्कूल से किया है, इंस्टीट्यूट से किया है, उसका नेम मेंशन कर देना है। क्लास 10th आपने किस बोर्ड से किया है वो आपको मेंशन कर देना है नेम। क्लास 10th का जो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में क्लास 10th की डिवीजन क्या है आपकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इसके बाद एक ऑप्शन मिलता है हमें क्लास 12th की, हमें अपनी डिटेल फिल करनी है, जिसमें सबसे पहले क्लास 12th आपने किस ईयर में पास किया है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही क्लास 12th के अंदर आपकी परसेंटेज कितनी है वो आपको मेंशन कर देना है, अगर आपका रिजल्ट CGPA में आया है तो कन्वर्ट कर लीजिएगा परसेंटेज के अंदर, उसके बाद आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। साथ में क्लास 12th के अंदर आपका इंस्टीट्यूट का नेम क्या है वो आपको मेंशन कर देना है। साथ में क्लास 12th आपने किस बोर्ड से किया है वो आपको नेम उसका मेंशन कर देना है। क्लास 12th के अंदर आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या थी वो सब्जेक्ट के नेम आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। साथ में क्लास 12th के अंदर डिवीजन क्या आई है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो आपको मेंशन कर देना है। साथ में अगर क्लास 12th आपने
मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से पास किया तो आपको यस करना है, तो नो कर लेना है। इसके बाद उसमें मिलता है हमें क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट की। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पासिंग सेलेक्ट कर लेना है, किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन पास किया है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, जो आपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पढ़े हैं उसका कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है सब्जेक्ट का। साथ में जो आपने ग्रेजुएशन अगर होनर से किया हुआ है तो यस करना है, तो नो करना है। साथ में मिलता है यूनिवर्सिटी नेम, अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो ड्यू सेलेक्ट करना है, तो अदर सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम अदर सेलेक्ट करते हैं, इसको यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन कर देना है, किस इंस्टीट्यूट कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसका नेम मेंशन कर देना है, कोर्स का नेम मेंशन कर देना है कौन सा कोर्स आपने ग्रेजुएशन में किया हुआ है। साथ में डिवीजन क्या आई है आपकी फर्स्ट थर्ड और सेकंड वो आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे अपना मेंशन कर दीजिएगा। परसेंटेज क्या आई है आपको ग्रेजुएशन की वो आपको मेंशन कर देना है, अगर आपकी परसेंटेज जो आपका रिजल्ट आया है वो सीजीपीए में आया है ग्रेजुएशन का तो आपको उसे कन्वर्ट कर लेना है अपना परसेंटेज के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन की जो आपकी डिटेल होती है उसके जो मार्क्स होते हैं उसको कैसे आपको सीजीपीए से मार्क परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उस वीडियो को देखकर आप अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, उस वीडियो को देखकर आप परसेंटेज कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे परसेंटेज मेंशन कर दीजिए। सर उसमें मिलता है पोस्ट ग्रेजुएशन का या मास्टर डिग्री का आपने किया हुआ है तो उसकी डिटेल आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज उसको आप स्किप कर दीजिएगा और फिर सेव नेक्स्ट क्लिक करना है। क्लिक करते ही जो हमारी डिटेल है वो शो कर जाएगी, वन बाई वन करके हम डिटेल चेक कर लेना है, कोई मिस्टेक हुआ है तो अपडेट कर सकते हैं अभी आप, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्टेप फोर में हमारी डिटेल शो करेगी जिसको एक बार चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही हम स्टेप फाइव पे आ जाएंगे जो कि रहेगा अपलोड का स्टेप, जहाँ पे देखिए हमें फोटो सिंगर पहले अपलोड कर दिए थे, अब हमें यहाँ पे अपलोड करनी है क्लास 10th 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करने हैं स्कैन करके एक ही फाइल के अंदर, साथ ही रिलेवेंट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यानी जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे हमें अपलोड करना है, जिसमें आप मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आपने जॉब करते हैं, एनओसी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, अगर साथ ही एविडेंस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इम्प्रोफेशन मिलता है, जीएसटी नंबर, सर्विस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर एनी अदर, सब उनको आप स्किप कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप वर्किंग है या जॉब करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, साथ ही अपना एनओसी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। अगर आप जॉब वगैरह नहीं करते हैं, आप सिंपल ग्रेजुएशन पास किए और अब एडमिशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको अपलोड करने हो सिर्फ 10th और 12th और ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे मैं अपना क्लास 10th 12th का जो यहाँ पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों को स्कैन करके एक ही फाइल के अंदर हमें अपलोड करना है सिंगल फाइल के अंदर, जिसमें हमें फॉर्मेट JPEG PDF रहेगा और मैक्सिमम साइज आपको 10KB से लेकर 3KB के लिए फाइल लिमिट हमारी रहेगी। तो यहाँ पे हम क्लास 10 12 के सर्टिफिकेट अपलोड कर लेते हैं, साथ में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अगर आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है तो उसको यहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके पास फाइनल की मार्कशीट है वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो हम सिलेक्ट फाइल को क्लिक करके अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद हमें क्लिक करना है प्रीव्यू के ऑप्शन पे, प्रीव्यू के ऑप्शन क्लिक करते ही जो हमारा एडमिशन फॉर्म के लिए हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं अपना उसकी डिटेल शो कर जाएगी, इसमें हमने स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 की डिटेल हमें मिलेगी। तो वन बाय वन करके आपको सारी डिटेल चेक कर लेनी है, अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो आपको मिलता है यहाँ पे फी का, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम पेमेंट स्टेप पर जाएंगे, जहाँ पे देखें हमारे प्रोग्राम की डिटेल रहेगी और यहाँ पे फीस कितनी पे करनी है वो मेंशन है। तो हमें फीस पे करनी है यहाँ पे 250 रुपीज़, अगर आप एस सी एस टी स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज़ देखने को मिलेगी। अब हमें यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है वन बाई वन करके, एक चेक बॉक्स पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करते हैं मिलता है पेमेंट का, तो यहाँ पे देखिए दो पेमेंट गेटवे मिल रहा है, पेमेंट गेटवे ICI और PayU, तो आप किसी भी गेटवे के ऑप्शन क्लिक करके पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप कोई भी अपना पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करते हैं, देखिए हम आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे, जहाँ पे आप UPI क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग और WhatsApp UPI के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको कैसे पेमेंट करनी है पेमेंट कर लीजिएगा, जल्दी से हम पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके सामने जनरेट होता है फाइनल प्रिंट, तो उसका आपको प्रिंट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। अगर आप फाइनल प्रिंट डाउनलोड नहीं कर पाए हैं तो अब आपको दोबारा से अपना लॉगिन करके डैशबोर्ड पर जाना है। डैशबोर्ड पर देखिए आपको मिल जाता है कि फॉर्म की डिटेल शो करेगी, जो कि हमने फिल किया है अपना प्रोग्राम किसके लिए अप्लाई किया है, फॉर्म नंबर शो करेगा, फिर मिलेगा प्रिंट का फॉर्म मिलेगा, फिर उसको क्लिक करके हमें फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लेना है, फाइनल प्रिंट डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लेना है। इस तरीके से आप करना है मेन बी का एडमिट फॉर्म फिल कर सकते हैं। एमकॉम के अंदर एडमिट होते हैं हमारे मेरिट बेस पे होते हैं, जब एडमिट की लास्ट डेट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मेरिट लिस्ट आ जाएगी, अगर मेरिट लिस्ट पर नेम आता है तो आपको कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट स्टेप जो कि स्टेप को कंप्लीट करेंगे मिल जाएगी। तो अभी आप यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट पे नेम आने के बाद आपको स्टेप को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे उसको सिलेक्ट करना है।